तो वो इस वीडियो को आगे जरूर पाई कम्युनिटी में स्प्रेड करें, ताकि जो एक लोगों ने इसके साथ उम्मीद लगाई हुई है, जो उसके साथ जितनी भी एसोसिएशंस हैं, तो वो उन लोगों की हर्ट ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग और क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली मिल सकें। पाई नेटवर्क का मेन नेट 14th of March 2024 को कभी भी ओपन नहीं हो सकता। ये एक मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत ऑथेंटिक आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और बेसिकली आई डोंट वांट टू कीप यू गाइज इन अ फुल पैराडाइज। आई वांट यू टू लिव इन सम रियलिस्टिक अप्रोच एंड यू हैव टू अडॉप्ट सम रियलिस्टिक अप्रोच। तो 14th of March 2024 को एक इवेंट हो सकता है, लेकिन उसमें मेननेट ओपन नहीं होगा। अब मेननेट ओपन क्यों नहीं होगा, इसकी मैं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको अगर रीजंस दूं, तो सबसे बड़ी जो इस टाइम पे रीजन आ रही है वो ये आ रही है कि जो 3 कंडीशंस डिफाइन थी 2024 गोल्स के, उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक था वो था KYC का। अब इस टाइम पे ऑल्दो के मोर देन 70% जो कम्युनिटी है उनकी KYC हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ऐसे पाइनियर्स हैं जिनकी KYC नहीं हो पा रही है, और KYC के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, KYC के स्लॉट इवन अवेलेबल नहीं हो रहे। कम्युनिटी जो है, जो पाइनियर हैं, वो KYC को करना चाह रहे हैं, वो कुछ उनके नेम के इश्यूज आ रहे हैं, उनको जो रीसबमिट का ऑप्शन है वो नहीं मिल पा रहा है, जो उनके नेम चेंज होने हैं, जो उनके डिफरेंट क्यूरीज हैं एट डिफरेंट लेवल, फोन नंबर वगैरह के इश्यूज हैं, वो अभी तक उनके रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। ऑल्दो के ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये पाइनियर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो KYC सही से करें, दिस इज एट द एंड ऑफ PiCore टीम, पाई नेटवर्क की ये जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों तक चीजों को अवेलेबल करें, एंड दे गाइज आर रियली वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि पाई कम्युनिटी जो है वो पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है वो इसको निग्लेक्ट करके बैठी हुई है, दे आर ऑल वर्किंग ऑन इट। लेकिन हम जानते हैं कि पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, जो पाइनियर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब 230 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हैं, और इनकी जो टोटल अगर हम यहाँ पे कहें तो तकरीबन कोई 50 मिलियन, 5 करोड़ से ज़्यादा की कम्युनिटी बिल्डअप हो चुकी हुई है। 5 करोड़ से ज़्यादा की जो कम्युनिटी है वो तो अभी जो बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनकी भी बिल्डअप नहीं होती। तो पाई नेटवर्क इज द नेक्स्ट लेवल, एंड पाई नेटवर्क विल बी टू द मून इन सम नियर फ्यूचर, बट फॉर नाउ मेननेट 14th of March को ओपन नहीं हो रहा। रीजन नंबर 1, KYC के इश्यूज पेंडिंग हैं। रीजन नंबर 2, आपने अभी देखा कि आपके जो वॉलेट ब्लॉक्स हुए हुए हैं, आपकी जो माइग्रेशन है, जो फर्स्ट माइग्रेशन हुई थी, उसके अभी तक जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। आपके जो अनवेरीफाइड बैलेंस है, आपके जो रेफरल्स है, उन्होंने KYC नहीं की है, और आपका जो बैलेंस है वो अनवेरीफाइड पड़ा हुआ है, अभी तक वही डिसाइड नहीं हो पाया है कि उसके ऊपर क्या PiCore टीम डेवलप करने जा रही है, क्या मैकेनिज्म होगा, और आपके जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो कैसे वेरीफाइड में होगा, या आपके जो माइग्रेशन है वो कैसे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। दे आर ऑब्वियसली वर्किंग ऑन इट, लेकिन अभी ये जब तक मामला सारे हल नहीं हो जाते, तो आपका एक्सपेक्ट मत करें कि मेन नेट ओपन हो जाएगा। ये थी रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3, अभी आपने लास्ट वीक देखा, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पाई कॉमर्स हैकाथॉन के नाम से एक पूरा टेस्ट रन होने जा रहा है, जो स्टार्ट हो चुका वह है फेब के फर्स्ट से, और एंड होगा 3rd of March 2024 को। पाई कॉमर्स हैकाथॉन बेसिकली है क्या? पाई कॉमर्स हैकाथॉन ये है कि आपने अपने नियरेस्ट जो ऐसे पाई शॉप कीपर्स हैं, जो पाई को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की आपको बाय एंड सेल कर रहे हैं, आपने वो लोकेट करने हैं, जस्ट लाइक आप गूगल मैप के ऊपर कोई आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पिक्चर्स, उसके जो ब्रांड नेम है वो, उसके आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस तरह से आपने अभी जो हैकाथॉन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है।
और जो थर्ड मार्च तक आपकी कंट्रीब्यूशन होंगी उसके ऊपर जो अच्छा ऐप डेवलप कर पाएगा उस डेवलपर को 14th of March 2024 को अवार्ड किया जाएगा, उसकी जो सर्विसेज है उनको रिकग्नाइज किया जाएगा। तो 14th of March को पाई डे के ऊपर हम हैकाथॉन इवेंट का जो एक उससे रिलेटेड एक सेलिब्रेशन है, उससे रिलेटेड जो एक रिकग्निशन इवेंट है वो होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल स्केल के ऊपर इसकी अपनी जो पाई डे की सेलिब्रेशन है वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें मेननेट ओपन नहीं होने जा रहा है। अब मेननेट ओपन कब होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काफी मेरे जो दोस्त हैं वो ये वीडियो से शायद डिसएग्री करके यहाँ तक उसको स्किप भी कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मैं उसमें ये भी बता देता हूँ कि मेन नेट 2024 में ओपन होगा। दिस इज फुल एंड फाइनल, क्योंकि कम्युनिटी 5 साल से इंतजार कर रही है, 5 साल से पाई नेटवर्क को उन्होंने माइन किया है डेली, उन्होंने किसी और को इतने टेक्स्ट किए ना हो, लेकिन पाई नेटवर्क का जब भी आता था तो उसकी पाई की माइनिंग के लिए क्लिक लाजमी करते थे और सारा कुछ हुआ है, KYC के इश्यूज उनके रिजॉल्व हुए हैं और अब बिल्कुल दे आर रेडी फॉर द मेन नेट। तो 2024 में मेन नेट ओपन होगा, दिस इज 100% कंफर्म न्यूज। अब वो ओपन कब होगा उसके लिए मैं आपको एक, अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा सकूं तो वैसे ये मैं आपको सारा उसमें दूंगा, काफी लंबा ये इनका ट्वीट है तो आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। Looking at the world's political and economic situation, there are unpredictable fluctuations. Not to mention factors caused by natural disasters, with optimistic thinking, it is likely that condition 1 and 2 will be completed around June 28, 2024 and the latest by the end of this year when mainnet takes place. और इसमें नीचे वही इन्होंने जिक्र किया हुआ है KYC का के अपडेटिंग KYC टुडे इज द बिगेस्ट मूव शोइंग दैट दे आर स्पीडिंग अप द प्रोग्रेस ऑफ कंडीशन टू। मोस्ट नोटेबली 1.5 मिलियन पायनियर्स इज मेकिंग बेसिक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एरर्स। द PCT साइड हैज कम अप विद द सॉल्यूशन एंड फिक्स दिस सॉल्यूशन सो द पायनियर्स कैन रीसबमिट द KYC डॉक्यूमेंट्स। सो ये पूरी एक ट्वीट है, ये मैं आपको उसमें दे भी दूंगा। नीचे इन्होंने सिम्पसन कार्टून का बनाया हुआ है कि डॉक्टर निकोलस हैं वो ओपन मेननेट इज एक्सपेक्टेड टू द लॉन्च इन 2024 विद 3 कंडीशंस, और उनके साथ कुछ कार्टूनिस्ट जो हैं वो दिखाया कि पीपल हु आर वेटिंग फॉर द माइग्रेशन एंड द पायनियर्स हु हैव बीन इनवाइटेड टू KYC। तो ये मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहां से आपके लिए ईजी हो जाएगा देखना। सो माय डियर पायनियर्स, इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और उसके इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू कि आप ये मत सोचें कि पाई नेटवर्क इज अ स्कैम और पाई नेटवर्क जो है वो कभी भी ओपन नहीं होगा या पाई नेटवर्क जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाएगा। तो नंबर वन, मुझे कोई बंदा मेरे आके कॉमेंट में बता दे कि आपने पाई नेटवर्क में क्या इन्वेस्टमेंट की है। पाई नेटवर्क की जो आपने माइनिंग की है वो जस्ट आपने 24 आवर्स में एक क्लिक करने के अलावा आपने इसमें और कुछ नहीं किया। इवन पाई नेटवर्क की जो माइनिंग हुई है उसने तो आपके मोबाइल की बैटरी को भी यूज नहीं किया। ऑल्दो इसके साथ आपकी एसोसिएशंस, आपके जो इमोशंस और आपकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो आपके साथ इसका एसोसिएट हुआ और वहां से आप इसके साथ बहुत ज्यादा चाहते हैं कि पाई नेटवर्क लॉन्च हो, लेकिन अपनी इन तमाम इमोशंस को, अपने इन तमाम जो आपकी थिंकिंग का प्रोसेस है या जो आपकी एस्टिमेशंस हैं इसको संभाल के रखें। पाई नेटवर्क कहीं नहीं जा रहा, पाई नेटवर्क इज नॉट अ स्कैम प्रोजेक्ट, पाई नेटवर्क विल लॉन्च इन 2024 100% श्योर। और इससे रिगार्डिंग आप देखेंगे पाई नेटवर्क बेसिकली पाई कॉइन इज ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल करेंसी, पाई नेटवर्क इज ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। हाउ, आप देखेंगे कोई भी जो नेटवर्क होता है उसके लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो जाए और वहां से उसके जो लीगल मैटर्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं और वहां से जो उसके बैक एंड के ऊपर जितना उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है वो भी उसको सारी फुलफिल हो जाती है, उसको फंड्स का भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन पाई नेटवर्क जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है और किसी भी प्रोजेक्ट ने अभी तक इस तरह का चीज लॉन्च नहीं किया। जैसे हमने देखा कि ई पाई मॉल आया या आपने एक पाई फेस्ट का इवेंट देखा जहां पे लोग पाई कॉइन के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड बाय कर रहे थे,
हमने सब्जी फरोख्त होते हुए देखी थी, सब्जी की सेलिंग हो रही थी पाई अगेंस्ट के, पाई कॉइन के अगेंस्ट। तो इसी तरह से ई पाई मॉल पे अगर आप जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे पूरी आपके होम जो बेसिक नीड्स हैं वहां से लेके लग्जरी तक, इवन यू कैन बाय एन एप्पल फोन और अ कार फ्रॉम ई पाई मॉल। तो ये सारा कुछ जो है ये सारा बैक एंड के ऊपर चल रहा है। और अभी जैसे पाई कॉमर्स हैकाथॉन, ये एक नेक्स्ट लेवल इवेंट होने जा रहा है जहां से आपको बड़ा इजी हो जाएगा लोकेट करना कि ऐसी कौन सी शॉप्स हैं जो पाई कॉइन को एक्सेप्ट करती हैं और फिर आप वहां से जाके उसकी सेल एंड बाय कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ तो आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ अवेलेबल है। अब इसके साथ जब मेननेट ओपन हो जाएगा तो वो एक किस्म का आप ये कह लें कि सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं, वो काम होने जा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आप मोटिवेट रहे अपने आप को और अपने जो एसोसिएशन है उसको नेगेटिव थॉट्स में मत जाने दें। तो ये 2024 में ही पाई नेटवर्क का मेननेट ओपन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अभी आपने यहां तक ये वीडियो देख ली और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको अपने कम्युनिटी में स्प्रेड जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी ही जो इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हैं वो पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने स्टेप गाइड को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।